हाँ तो स्टूडेंट्स, आज पूर्णांक के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ना है। तो पुरानी कक्षा में, कक्षा 6 में आपने पढ़ा है प्राकृतिक संख्याएं, आपने पढ़ी, और उसके बाद पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और उसके बाद पूर्ण संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 मिला लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो ये समूह है, तो ये पूर्ण संख्याओं का समूह है। यहाँ पर नया आपके पास एक समूह होगा, उसका नाम है पूर्णांक। उसमें किस प्रकार की संख्याएं होंगी? तो उसमें 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, आगे को होंगे धन, सभी संख्याएं होंगी। -1, -2, -3, -4, इस तरह से। तो 0 से लेके धनात्मक संख्याएं होंगी उसमें, 0 से लेके ऋणात्मक संख्याएं होंगी, और ये पूरा जो समूह होगा, इन सभी संख्याओं को मिलाकर जो ये समूह बना है, इसको पूर्णांक कहेंगे। ये सब के सब पूर्णांक हैं। और यहाँ पर दो प्रकार के पूर्णांक कहे जाते हैं, जैसे नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, अगर हम इसको, इनको कहें तो इनको अलग से धन पूर्णांक कहते हैं। और इसमें जो -1, -2, -3 है, इनको ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो ये ऋण पूर्णांक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये धन पूर्णांक हैं, और -1, -2, -3, -4 इनको ऋण पूर्णांक कहा जाता है, और बीच में शून्य है। तो इस प्रकार से हमको पूर्णांकों का ये समूह मिला, जिसमें 0 है, 0 से एक तरफ को ऋण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, और 0 के एक तरफ को -1, -2, -3, -4 है, -5 है, -6 है, तो अनंत तक वो बढ़ता जाएगा, और इधर को भी अनंत तक बढ़ता जाएगा। तो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और 0, तो इस प्रकार का जो समूह बना, ये पूर्णांक कहा जाएगा, इसको पूर्णांक कहेंगे। तो इसके बाद अब हम इसमें आज पढ़ेंगे क्या, पूर्णांकों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अलग है, उसको समझना होगा। पूर्णांकों में क्या क्या गुणधर्म होते हैं, दूसरा पूर्णांकों के में संक्रियाएं हम पढ़ेंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, किस प्रकार से पूर्णांकों को जोड़ा, घटाया या गुणा भाग किया जाएगा। और प्रीवियस क्लास में आपने पूर्णांकों को संख्या रेखा पर भी दिखाया है, तो जैसे हम यहाँ पर एक संख्या रेखा बना लेते हैं, तो संख्या रेखा पर पूर्णांक होंगे, 0 बीच में होगा, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, तो इस प्रकार से संख्या रेखा का टॉपिक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर कुछ चीजें पढ़ लेंगे, पूर्णांकों के गुण। तो संवृत, संवृत क्या होता है? ये शब्द कुछ अलग तरीके के लगते हैं, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है, इन पर आधारित सवाल बहुत ज्यादा है प्रश्नावली में। संवृत क्या होता है? जब हम किसी पूर्णांक में किसी दूसरे पूर्णांक को जोड़ते हैं, या एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से गुणा करते हैं, या एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाते हैं, तो होता क्या है, हमको एक संख्या मिलती है, तो वो संख्या क्या होगी? वो एक पूर्णांक होगी। अगर पूर्णांक होती है, दो पूर्णांकों को जोड़कर हमको एक पूर्णांक मिलता है, तो वो संवृत कहलाता है। ज्यादा कठिन नहीं है, एक पूर्णांक को हमने दूसरे पूर्णांक से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो जो आंसर आया वह भी एक पूर्णांक हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि जो पूर्णांक है वो संवृत है गुणा के अंतर्गत, और पूर्णांक जोड़ के अंतर्गत संवृत है, क्योंकि जोड़ने के बाद एक पूर्णांक मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि पूर्णांक जोड़ के अंतर्गत संवृत है। अगर गुणा करने के बाद, दो पूर्णांक को गुणा करने के बाद एक पूर्णांक मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत है। और तीन जगह पर संवृत होते हैं यहाँ पर जो पूर्णांक है, व्यवकलन यानी घटाने के लिए, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से घटाते हैं, तो हमको जो पूर्णांक जो मिलता है वह भी एक पूर्णांक होता है। तो हम कहेंगे कि पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत संवृत है। तो संवृत को हम इस प्रकार से समझेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने योग के लिए किया, तो योग के लिए क्या होगा, जैसे 2 में हम 3 को जोड़ते हैं तो 5 मिलता है,
यानी कि हमने क्या किया, एक पूर्णांक लिया और एक पूर्णांक लिया और उस पूर्णांक दोनों पूर्णांकों को जोड़ा तो जो नई संख्या मिली वह भी एक पूर्णांक मिली। तो यह भी एक पूर्णांक है, यह भी एक पूर्णांक है, यह भी एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक में पूर्णांक जोड़कर एक नई संख्या जो मिली है वह एक पूर्णांक है, इसलिए हम कहेंगे योग के अंतर्गत पूर्णांक संवृत होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम किसी संख्या को किसी संख्या से यानी किसी पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक पूर्णांक मिलता है। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत है। अगर हम घटाते हैं किसी पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से तो हमको वहां भी एक पूर्णांक मिलता है। तो तीन जगह पर योग के लिए, गुणा के लिए और व्यवकलन के लिए, तीनों के लिए पूर्णांक संवृत होते हैं, ऐसा हम कहेंगे। तो दूसरा हम यहाँ पर अब देखते हैं पूर्णांकों का दूसरा गुण है क्रम विनिमेय का गुण। क्रम विनिमेयता क्या होती है, जब पूर्णांकों के लिए दो चीजें क्रम विनिमेय दो चीजें, दो यहाँ पर योग और गुणन क्रम विनिमेय होते हैं। पूर्णांकों के लिए हम कहेंगे पूर्णांकों के लिए योग तथा गुणन क्रम विनिमेय होते हैं, अर्थात हमको ये नहीं कहना है कि पूर्णांक क्रम विनिमेय होते हैं, हमें ये कहना है कि पूर्णांकों के लिए योग तथा गुणन क्रम विनिमेय होते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर किसी पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से जोड़ते हैं तो पहले हमने दो में हमने पांच को जोड़ा, अब हम पांच में दो को जोड़ रहे हैं तो दोनों बराबर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि क्रम हमने बदल दिया, दो में हमने पांच जोड़ा पहले और उसके बाद पांच में हमने दो जोड़ा, तो इसका मतलब है दोनों बराबर आ गए। अगर दोनों बराबर मिलते हैं तो यहां पर हम कहेंगे कि योग क्रम विनिमेय है पूर्णांकों के लिए, पूर्णांकों के लिए जो ये योग है वो क्रम विनिमेय है। इसके बाद अगर हम गुणा करते हैं किसी संख्या को किसी दूसरी पूर्णांक से तो वहां पर भी हमको यह गुण दिखाई देता है। तो हम कहेंगे गुणन, गुणन जो है पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमेय होगा। इसके बाद इसमें दो ही चीजों के लिए है, योग और गुणन के लिए, और व्यवकलन और भाग के लिए, जो व्यवकलन और भाग पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमेय नहीं होता है, सिर्फ योग और गुणन पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमेय होता है। इसके बाद अगला आपका गुण है इनके अंतर्गत, जो हम पूर्णांकों के अंतर्गत गुण पढ़ रहे हैं उसमें पहला संवृत हो गया, दूसरा क्रम विनिमेय हो गया, फिर साहचर्य गुण। तो साहचर्य गुण क्या है, इसमें आपको किसी एक जोड़ के, पहले योग के लिए और गुणन के लिए, दोनों के लिए ही साहचारी होंगे पूर्णांक, योग तथा गुणन के लिए साहचारी होंगे, व्यवकलन और भाग के लिए नहीं होंगे। तो योग की बात करेंगे तो दो, हमने तीन पूर्णांक ले लिए, माना दो धन तीन धन चार, तीन पूर्णांक हमने ले लिए। हमने किया क्या, इसमें इनको हमने जोड़ दिया इसी क्रम में, दो गुणा दो धन तीन धन चार। तो यहां पर ब्रैकेट्स जो ये कोष्टक है, इसका मतलब है कि हमने पहले ब्रैकेट को हल करना है। या आप जानते हैं BODMES का न्यू रूल है कि ब्रैकेट को पहले हल किया जाता है। तो यहां पर आपने तीन को चार के साथ पहले जोड़ा और उसमें जितना आया उसमें फिर दो जोड़ा, और यहां आपने क्या किया बराबर की उधर, दो में तीन को पहले जोड़ा उसमें फिर चार जोड़ा। तो हमने ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को यहां से यहां आगे लिखा, और अगर ऐसा कर सकते हैं, अगर बीच में बराबर है इसका मतलब दोनों ओर बराबर आना चाहिए, अगर बराबर आता है तो हम कहेंगे योग जो है पूर्णांकों के लिए साहचारी होगा, तो होता है और ये बराबर आते हैं। इस प्रकार से गुणा के लिए भी है, दो गुणा तीन गुणा चार हम लिखे, दो गुणा तीन गुणा चार हम लिखे, तो ये ब्रैकेट हम क्या कर लेते हैं आगे कर लेते हैं, अर्थात पहले हमने तीन को चार से गुणा करना है, फिर जितना आया फिर उसको, उसके बाद हमने उसको जो है दो से गुणा करना, यानी ब्रैकेट को पहले हमने हल किया, दो को तीन से गुणा किया फिर चार से उसको किया, और यहाँ तीन को चार से किया फिर दो को किया, तो दोनों क्रम को हमने बदला है गुणा करने के क्रम को। तो अगर बराबर आता है तो हम कहेंगे कि गुणन जो है वो पूर्णांकों के लिए साहचारी होगा और योग पूर्णांकों के लिए साहचारी होगा, अगर हम इस प्रकार से ब्रैकेट को लगा सकते हैं और उसके बाद अगर दोनों तरफ बराबर आता है।
तो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट गुण है पूर्णांकों के लिए, वितरण गुण। क्या पूर्णांकों में वितरण गुण होगा? वितरण गुण जो होगा, योग पर गुणन का वितरण नियम पूर्णांकों के लिए सत्य होता है। मतलब हमने क्या किया, एक कोई पूर्णांक ए ले लिया, उसमें बी धन सी हमने लिखा, अर्थात योग पर गुणन का, योग बीच में है गुणन बाहर है, योग पर गुणन का वितरण, वितरण गुणन का हो रहा है यानी गुणा वितरित हो रहा है, यहां भी दोनों जगह बंट रहा है। तो ए गुणा बी धन ए गुणा सी, अर्थात गुणा जो हो गया वो बी और सी के साथ बट गया। तो यहां पर जो गुणन होता है या फिर योग होता है, हाँ सिर्फ यही होता है कि गुणन जो है वो जो गुणन होता है वो योग पर अगर है तो हम कहेंगे कि जो योग पर गुणन का वितरण नियम पूर्णांकों के लिए सत्य होगा, अगर हम ये और ये बराबर आता है। तो यहां पर कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं, दो गुणा पांच धन तीन बराबर दो गुणा पांच धन दो गुणा तीन, तो ये दोनों बराबर आएगा। हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं पहले, पांच पांच छह सात आठ दोनों सोलह, और यहां पर भी हम ऐसा कर लेते हैं, अगर हम इनको जोड़ दें पांच दूना दस तीन दूना छह, इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों तरफ सोलह और सोलह आएगा। तो हम कहेंगे योग पर गुणन का वितरण नियम सत्य होता है। योग पर अर्थात योग पर वितरण किसका हो रहा है, गुणन का हो रहा है, तो योग पर गुणन का वितरण नियम सत्य होता है पूर्णांकों के लिए। तो पूर्णांकों के इतने गुण हमने पढ़े हैं, इन गुणों को आपको ढंग से देखना है और इनको जरूर इनका अध्ययन आपको करना होगा और ढंग से इनको देखना होगा, तभी ये आगे आपके समझ में आए।